हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने पार्ट जो 4 किए थे उसमें हमने सबसे पहले जो हमारी कंट्रोल A to Z कीज थी, उसके बाद जो हमारे पार्ट 2 में था फंक्शंस जो हमारे F1 से लेके F12 तक थे, उसके बाद था हमारे जो हम MS Word में जो शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं, और पार्ट 4 में कौन सी थी जो हमारी विंडोज़ की जिसको हम बिंकी कहते थे उसके लिए जो उसके साथ जो कम्बिनेशन थे वो हमने करवाए थे। तो आज हम करेंगे पार्ट 5। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है जो MS PowerPoint में जो हमारे शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जो कम्बिनेशन होते हैं वो, और उनका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। चलिए हम पहले अपनी स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+Left Arrow, इसमें क्या होता है, ये हम जैसे मान लीजिए जो हमारा कर्जर होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, एक जो हमारा वर्ड होता है या मान लीजिए एक स्पेस की जगह हम जो भी लिखते हैं वो आगे चला जाता है, किधर की तरफ जाता है, हमारे लेफ्ट की तरफ जाता है। दोबारा से सुनिए क्या होता है, ये हमारे कर्सर को कहाँ की तरफ मूव कर देता है, एक वर्ड लेफ्ट की तरफ, मतलब क्या है इसका, या एक स्पेस आप कह सकते हैं, एक स्पेस छोड़ के आगे लेफ्ट की तरफ ये मूव हो जाता है। ये हमने जो हमारे एरो कीज़ होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं, हमारी एक लेफ़्ट होती है, एक राइट होती है, एक हो रही है अप और एक होती है हमारे डाउन, कई इनको बॉटम भी कह देते हैं। तो सबसे पहले जो हमने की है अभी वो था हमारा लेफ़्ट, इससे क्या होता है हमारे कर्सर को, जो हमारा कर्सर है वो लेफ़्ट की साइड एक स्पेस छोड़ के वो मूव हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Right Arrow, ये हमारे नेविगेशन की होती हैं। आप जैसे मान लीजिए कीबोर्ड पे जो 4 बटन बने होते हैं, एक ऊपर की तरफ एरो, एक नीचे की तरफ एरो, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। अब हमारे पास क्या आता है Ctrl+Right Arrow, राइट एरो के साथ क्या होता है, ये हमारे कर्सर को एक वर्ड मूव कर देता है किधर वाली साइड को, ये राइट को। जैसे मान लीजिए हमने जो भी हमने लिखा हुआ है या हमारा टेक्स्ट है कुछ भी, वो उस वर्ड को राइट हैंड की साइड वो अपने आप ही मूव कर देगा। और जो हमारा पहला था वो हमारा कहाँ था, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को इसको मूव कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Up Arrow, Ctrl+Up का क्या काम होता है, ये वैसे आपको इसके जो हमारे साइंस हैं एरो के, जैसे मान लीजिए लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ जाता है, अब राइट का राइट की तरफ, अप का ऊपर की तरफ, बॉटम का नीचे की तरफ, तो आप उससे ही समझ सकते हैं आसानी से। ये क्या करता है, हमारे जो हमारा कर्सर है उसको किस तरफ मूव कर देता है, बिगनिंग की तरफ, जहाँ पे हमारी लाइन या पैराग्राफ शुरू होता है उस तरफ। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी जब लिखा है, बहुत लाइनें लिखी हैं, तो Ctrl+Up या एरो दबाते हैं जहाँ पे हमारी वर्टिकल बार लिमिट होती है, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमारा वो होता है, जो भी हमने लिखा होता है वो कहाँ पे मूव हो जाता है, हमारे लेफ्ट, या हम लेफ्ट के साथ लेफ्ट वाला, राइट के साथ राइट वाला, अब हम अप वाला कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ हो जाता है, बिगनिंग की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Down, जो हमारी Ctrl+Down Arrow होता है, ये हमारा क्या कर देता है, ये हमारे कर्सर को जहाँ पे हमारा पैराग्राफ मूव ख़त्म हो रहा है, जहाँ हम जो कहीं भी, जहाँ हम डॉक्यूमेंट DOC जो हमारे डॉक्यूमेंट को कहते हैं शॉर्ट में, जहाँ हम वहाँ पे इसको वहाँ बदल देते हैं, जहाँ ऊपर की तरफ हो जाता है, जहाँ हम अगर हम Ctrl+Down की दबाते हैं तो ये कहाँ पे हो जाता है, इसकी तरफ नीचे को हो जाता है, ऐसे एरो की तरफ। देखिए लेफ्ट वाला किस की तरफ होगा, कर्सर को कहाँ मूव करेगा, एक पॉइंट लेफ्ट, मतलब एक स्पेस छोड़ के, और राइट वाला राइट की तरफ। ये हमने तभी इकट्ठे लिखे हैं चारों, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उनमें कंफ्यूज ना हो, ताकि आपको जो सीधा ही समझ के सीधा ही पढ़ के आपको साथ के साथ क्लियर हो जाए सारा, अप की तरफ ऊपर की तरफ और डाउन की तरफ नीचे की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+End, हाँ जी, इससे एक पहले हम बात कर लीजिए, जैसे इसमें कई MS PowerPoint में वो शॉर्टकट कीज़ हैं जो हमारी पहले वीडियो में हैं, जैसे A to Z में, या हम MS Word की भी कुछ जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं PowerPoint के साथ सिमिलर हैं वो, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, हमने वो दोबारा नहीं करवाई,
अगर करवाते तो मतलब फिर वो रिपीट हो जाता पहले वीडियो में भी जो पीछे वाला और नेक्स्ट वाला भी। अब जो पावर पॉइंट में इसमें जो हमारी कीज़ हैं जो हमारी पेंडिंग है पावर पॉइंट की, हम इसमें वो मेल नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कुछ लग रहा है, एक हमने इसमें अलग सेक्शन भी बनाया है, वो है हमारा जो अल्ट प्लस कम्बिनेशन कीज़ का है, वो हम इसी जो हमारी वीडियो में करेंगे एंड में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल एंड। कंट्रोल एंड में क्या होता है, ये हमारे मूव को एंड की तरफ जो हमारी स्लाइड होती है उसकी तरफ मूव कर देता है। इसका और इसका, इन दोनों का कुछ कुछ फंक्शन जो सेम है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पैराग्राफ की तरफ हमारे हमें एंड की तरफ जो हमारा कर्जर है वहाँ पे मूव कर देता है, और ये क्या है हमारा कर्जर को एंड की स्लाइड की तरफ मूव कर देता है, मतलब क्या है जहाँ पे उसका अंत हो रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो हमारा साइन होता है प्लस का, सिंपल। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सिलेक्ट, जो हम कुछ भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं उसको हम सुपर स्क्रिप्ट में बदल देते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, एक होती है हमारी सब स्क्रिप्ट, एक होती है हमारी सुपर स्क्रिप्ट। तो जो हमारी सब स्क्रिप्ट होती है उसमें क्या होता है, ये हमारा जो भी हम लिखते हैं, जैसे हम साइंस में लिखते हैं CO2 या हम H2O लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है जो हमारा ऊपर की तरफ छोटा सा कुछ भी हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा हमने 4th एग्जांपल के तौर पे, जो ये हमारा TH लिखा हुआ है ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट की तरफ लिखा हुआ है। अगर मान लो हम H2O लिखते हैं तो ये हमारा जो 2 है, एक मिनट हम दूसरा आपको क्लियर कर दें, ज़्यादा इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो हमारा 2 है ये वाला, इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी जो लिखा वो हमारा 2 नीचे की तरफ शो होगा, वैसे ही जो हमारा यहाँ पे है 4 जो हमारा TH है इसमें क्या है वो हमारा ऊपर की तरफ शो होगा, सुपर में ऊपर सब में नीचे, ये आप ध्यान रखिएगा। ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने जो हम ऑर्डिनरी नंबर्स के साथ या हम मान लीजिए जो क्लासेस के साथ या हम जैसे मान लीजिए बर्थडे के साथ जब हम लगाते हैं 4th, 5th, 6th, तो वहाँ पे जहाँ TH या हम साइंस में H2O CO2। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन के साथ क्या होता है, हम को जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे वो ऊपर सब स्क्रिप्ट की सुपर स्क्रिप्ट की तरह चला जाता है, जैसे वो हमारा छोटा सा, जैसे मान लीजिए हमने ये एग्जांपल दी है 4th में, एक मिनट आपको अलग रंग से ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ये हमारी ये 4th रंग का, इसमें क्या किया हमने जो हमारा TH है ये हमारा सुपर है, और यहाँ पे जो 2 जो हमारा 2 है ये हमारा सब है। नेक्स्ट पे आते हैं हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो हमारा कौन सा है, हमारा ग्रेटर देन। इसमें एक दो वो भी होंगी जो सिमिलर होंगी MS वर्ड के साथ, जो मेल नहीं है हमने पहले करवा दी थी वो पावर पॉइंट और MS वर्ड और कंट्रोल A to Z में, जिसके साथ हम कॉम्बिनेशन की करते हैं जो MS वर्ड में बहुत काम आती हैं, तो वो उनमें भी हैं, तो आप हम उनका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके उनको चेक कर सकते हैं और आप वहाँ से जाके पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो उसका जो साइज है वो एक पॉइंट या एक, वैसे पॉइंट जो होता है PT के साथ, तो उसको बढ़ा देता है, और हमारा जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन है ये हमारा साइज जो भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसको घटा देता है एक पॉइंट के साथ। ये हमने तभी इकट्ठे लिखे हैं ताकि बच्चों को क्लियर हो, कन्फ्यूज़न ना हो। जो ग्रेटर देन है वो इनक्रीज करेगा, जो लेस देन है वो डिक्रीज करेगा, कैसे करेगा, हमारे फॉन्ट साइज को एक पॉइंट कम एक पॉइंट ज़्यादा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। इसमें क्या होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 में, जब भी हम कोई भी पेज को, जब हम मान लीजिए प्रिंट करने से पहले जैसे भी वो दिखता है, मतलब जो प्रिंट करने के बाद हमारे पास जो आएगा उससे पहले जो भी स्क्रीन पर दिखता है वैसा ही सेम, वो उसकी किस ऑप्शन के साथ दिखता है हमें, वो प्रिंट प्रीव्यू के साथ दिखता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, इसमें क्या होता है स्लाइड को या मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट को या पेज को, वैसे हमें जो मेनली हम इसमें पावर पॉइंट में स्लाइड्स की बात करते हैं, स्लाइड ही चलती है, तो MS वर्ड में भी इसका काम आता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, तो जो स्लाइड हमें दिखेगी उसको पहले हम प्रिंट प्रीव्यू के साथ वैसे ही स्क्रीन पर देखेंगे जैसे हमें हार्ड कॉपी में जो हमें आउटपुट हमारे हाथ में आएगी प्रिंटर के थ्रू, वो हमें कहाँ से दिखे, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के साथ। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन कहाँ से आता है,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2। इससे क्या होता है, हमारा जो भी हमारी स्लाइड डेक होती है, जो पहले ही हमारी एग्जिस्ट होती है, उसको हम ओपन कर देते हैं। किसके साथ करते हैं? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 के साथ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, जो हमारी आती है कंट्रोल प्लस होम। इससे क्या होता है, जो भी हमारा कुछ भी जो हम स्लाइड पे शो होते हैं, वो हमारे मूव, जो भी हमने स्लाइड खोली हुई है, सबसे पहले मान लीजिए 5 से 6, 6 से 7 या 10 या 12 हमने कुछ भी खोली हुई है, तो इससे हम क्या होता है, तो हम जो भी हमारा कर्सर जहाँ पे होता है, हमारी जो स्लाइड पहली वाली स्लाइड होती है, हम ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 स्लाइडें खोली हैं, 1, 2 एंड 3। ये हमारी 1 होगी, ये हमारी 2 होगी, ये हमारी 3 होगी। तो कंट्रोल होम के साथ क्या होगा, मान लीजिए हम जहाँ 3 पे हैं, अगर कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं तो प्रेस करते हैं, तो वहाँ हम कहाँ पे आ जाएंगे, पहले वाली पे, कौन सी, जो हमारी बिगिनिंग स्लाइड होगी, जो फर्स्ट वाली होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इससे क्या होता है, हमारे पास जो हमारा फॉन्ट साइज या टाइप होता है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट पीछे से हमारा, जब हम पावर पॉइंट खोलते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर उठाता है या सॉफ्टवेयर पर उठाता है, वो उसको रीसेट कर देता है। किस में कर देता है, वो उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। मतलब क्या है, वो बाकी टेक्स्टों से थोड़ा सा अलग, गूढ़ा या मान लीजिए और स्टाइल में दिखेगा। वैसे मेनली जो हमारा होता है गूढ़ा या बोल्ड किस तरह दिखेगा, इसमें क्या होता है, हमारे पास कंट्रोल प्लस स्पेस बार के साथ हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस F1। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये हमारा जो रिबन है, रिबन क्या होता है, जहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ये हमारे रिबन को क्या करता है, अगर वो हाइड है तो शो कर देगा, अगर शो है तो हाइड कर देगा। काम क्या है, अगर मान लीजिए हाइड है तो वो शो कर देता है, अगर शो पहले से ही है तो वो हाइड कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल F2। इससे क्या होगा, ये हमारी सेम है, दे देखिए जो हमारी पीछे वाली स्लाइड थी, इसमें देखिए जो हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 थी, इसमें क्या था, वही प्रिंट पेज करने से पहले वो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे जाएंगे, और हमारा इससे क्या है, जो कंट्रोल प्लस सिंपल F2 दबाते हैं, तो इससे क्या होता है, वही सेम है, हम प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन के साथ पहले वो देखेंगे जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके बाद जो हम नेक्स्ट पेज पे, जैसे मान लीजिए जो भी आप चाहते हैं, तब वहाँ पे वैसे ही हमें ऑप्शन शो हो जाए, जहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रिंटर में जो हमारे पास हार्ड कॉपी हाथ में आएगी, उससे पहले जैसे आपको शो होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन। मतलब क्या है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट दबाएंगे हम सिंपल, तो इससे क्या होगा, इससे होगा जो हमारा लेज़र पॉइंट कर्सर है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। कहाँ पे शो होगा, ये हमारी स्लाइड पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, या एक बार दोबारा से सुनिए, जो हमारा कंट्रोल प्लस लेफ्ट के साथ क्या होता है, ये हमारा जो हमारी स्लाइड जिस पे हम देख रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिकली ही ये अगर हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, वो एक्टिवेट कर देता है लेज़र पॉइंटर कर्सर को। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। इससे क्या होता है, जो हमारी विंडो होती है, फॉन्ट विंडो होती है, उसको ओपन कर देता है। कौन करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। और इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F के साथ उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ उसका, स्टाइल उसका और उसकी टाइप को। हम इसे चार चीज़ें कर सकते हैं, सबसे पहले हमारी जो फॉन्ट विंडो है उसको ओपन कर सकते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो आता है हमारे पास उसका साइज स्टाइल और हमारे टाइप को हम उसको अपने हिसाब से या अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे तो थी हमारी जो कंट्रोल प्लस वाली, जो हमारी जो पीछे वाली हमने स्लाइड में की थी, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था, अभी हमने एक अलग सेक्शन बनाया है जिसमें सिर्फ हम अल्ट प्लस वाली, जो अल्ट कम्बिनेशन वाली कीज़ हैं जो MS पावरपॉइंट में शो होती हैं, तो ये देखिए हमने उसका अलग सेक्शन बनाया है, ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो पावर पॉइंट समझना चाहते हैं बहुत अच्छे से। ये हमारा सिर्फ अल्ट प्लस कम्बिनेशन वाला सेक्शन है। मतलब क्या है, इसमें हम सिर्फ जो अल्ट बटन के साथ हम जो भी कम्बिनेशन कीज़ के साथ हम जो भी हम की दबाएंगे तो उसके साथ क्या काम होता है, सिर्फ ये वो वाला सेक्शन हमने बनाया है अलग से। देखिए सबसे पहले हमारी जो अल्ट की कम्बिनेशन की है वो कौन सी है, अल्ट प्लस F टैब। अल्ट प्लस F टैब के साथ क्या होता है हमारे पास,
ये हमारा फाइल टैब मेन्यू को ओपन कर देता है। दोबारा से सुनिए, अल्ट प्लस एफ से क्या होता है, जो हमारी की होती है, ये हमारे फाइल टैब को क्या कर देता है, इसका जो मेन्यू है उसको ओपन कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस एच, इससे क्या होता है, हम जो भी हमारा होम टैब है, जहाँ पे भी हम हैं, मान लो कोई भी ऐप है, सॉफ्टवेयर, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, तो अल्ट के साथ हम एच दबाएंगे, एमएस पावरपॉइंट में जो भी काम कर रहे हैं उसके वक्त मेनली, तो हम कहाँ आ जाएंगे, हमारे होम टैब पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएंगे इस शॉर्टकट की के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस एन, अल्ट प्लस एन का क्या काम होता है, इससे हम क्या है, कोई भी नए टैब को इंसर्ट कर सकते हैं, जहाँ मान लीजिए ओपन कर सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने स्लाइड में फ़ोटो भी लगानी हो, इंसर्ट का एक ओपन का, वो फ़ोटो को खोल के हम ओपन कर सकते हैं, वैसे ही क्या है, हम कोई भी जो टैब को जो हम चाहते हैं पावर पॉइंट में, उसको क्या कर सकते हैं, हम ओपन कर सकते हैं उसको टैब को इंसर्ट करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस जी, इससे क्या होता है, ये हमारा डिज़ाइन टैब इससे ओपन हो जाता है, डिज़ाइन टैब। अब बेटा देखिए, सबसे ध्यान से पहले जो हमारी ये वाली है, एक फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, जो एफ से था हमारा फाइल टैब मेन्यू ओपन हो जाता है, और एन से था हमारा इंसर्ट टैब ओपन हो जाता था, और जो हमारा जी है इससे डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता था। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस के, इससे क्या होता है हमारे पास, ये इससे हम ट्रांजिशन टैब पर चले जाते हैं, ट्रांजिशन टैब जहाँ से हम इफेक्ट्स वगैरह या कुछ भी हम वहाँ पे उठाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस ए, इससे क्या होता है हमारे पास, हम टैब जो हमारी एनिमेशन टैब है हम वहाँ पे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ये जो हमारी अल्ट प्लस के, ए, एस और आर, ये हमारी चार हैं जिसके साथ सिर्फ हम मूव ही होते हैं, जहाँ मान लीजिए जाते ही हैं वहाँ पे, कहाँ पे, जैसे के से ट्रांजिशन टैब, ए से एनिमेशन टैब, एस से स्लाइड शो टैब, और हमारा आर से रिव्यू टैब। ध्यान से देखिए, जो हमारा ए है इससे एनिमेशन याद आपको आसानी हो जाएगी, एस से स्लाइड शो आपको आसानी हो जाएगी, एक मिनट, हाँ जी, एस से हमारी जो स्लाइड शो आसानी हो जाएगी आपको याद, आर से आप रिव्यू टैब याद कर सकते हैं, एक आपको अपनी तरफ से याद करना पड़ेगा अल्ट प्लस के प्लस, जो हमारा इससे क्या कहाँ पे जाते हैं, ट्रांजिशन टैब पे। हमने ये तभी चार इकट्ठे लिखे हैं ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो, जो भी इसको डिटेल में पूरी जानकारी इसकी या आप पढ़ाई करना चाहते हैं। के से हम ट्रांजिशन टैब, एक के है, एक हमारा ए है, एक हमारा एस है, एक हमारा आर है। के से ट्रांजिशन, ए से एनिमेशन, एस से स्लाइड और आर से रिव्यू। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखिए, जो हमारी जो इससे इसके बाद जो हमारी तीन बची थी, जो अल्ट कम्बिनेशन वाली, जो हम पावर पॉइंट में मेनली यूज़ करते हैं, मेन सबसे पहले आती है हमारे पास अल्ट डब्ल्यू, अल्ट डब्ल्यू, इससे क्या होता है हमारे पास व्यू टैब में हम चले जाते हैं। इससे क्या है, कोई भी आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो अल्ट डब्ल्यू दबाएंगे तो हम जो व्यू टैब है हमारा वो ओपन हो जाएगा। अल्ट प्लस एक्स, इससे क्या होगा हमारा, जो हमारा ऐड इंसर्ट टैब है वो हमारा इससे ओपन हो जाएगा, जहाँ मान लीजिए हम वहाँ पे ऑटोमेटिकली ही चले जाएंगे अल्ट प्लस एक्स के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस वाई, अल्ट प्लस वाई के साथ क्या था हमारा, इससे हम हेल्प टैब में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, कौन सा, अल्ट प्लस वाई टैब। अब देखिए, जो हमारी ये तीन है, उससे पहले जो हमने चार की थी, ये वाली चार, के, ए, एस और आर, अब ध्यान से देखिए, जो हमारा पहले के था, फिर ए आया, फिर एस आया, फिर आर आया। के से क्या था, ट्रांजिशन, ए से क्या थी, एनिमेशन टैब, एस से क्या था हमारा, स्लाइड शो टैब, आर से क्या था हमारा, रिव्यू टैब। ये जो हमारी थी चार वाली। नेक्स्ट हमारी जो हमने अभी तीन किए, ये सारी सिर्फ सात हैं जो हम अल्ट प्लस कम्बिनेशन के साथ, जिससे हम सिर्फ ओपन, जहाँ हम वहीं पर जाते हैं। नेक्स्ट क्या आती है हमारे पास, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, इसके बाद हम जहाँ पे जाएंगे W के साथ क्या होता है, हम टैब को देख सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, इस X के साथ ऐड को इंसर्ट कर सकते हैं, जो टैब है हमारा, जहाँ हम उसके पास जा सकते हैं, वो उसके बाद पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास Y, Y में क्या होता है, हम हेल्प टैब में जब हम ओपन करते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। जो हमारी ये वाली सात थी, और इससे पहले जो हमारी ये वाली अल्ट वाली थी, सिंपल, ये हमारी अलग थी, दो वाली ये ओपन करते थे, बाकी सारी गो वाली और अल्ट एफ वाली, ये आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है। और जहाँ ये थी हमारी जो हम मेनली जो एमएस पावर पॉइंट में
प्रयोग करते हैं जो हमारी शॉर्टकट कीज थी। अल्ट प्लस वाली हमारे जो कॉम्बिनेशन का अलग सेक्शन बनवाया था और बनाया था, और बाकी जो दूसरे का वो अलग बनाया था ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इससे भी जो अलग हैं जो पावर पॉइंट में यूज़ होती हैं, तो आप इनके जो हमारे पार्ट हैं पहले 1, 2, 3 और 4 उसको आप देख सकते हैं आसानी से, और वहाँ से आप अच्छे से याद कर सकते हैं और अपनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो भी आप SSC, IBPS, RRB, RBI को जो भी आप याद कर रहे हैं, जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं, ताकि जिसमें कंप्यूटर आता है सब्जेक्ट में, वो आप अच्छे से आसानी से तैयार कर सकें। हाँ जी, जो भी हमारे चैनल पे नया आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, जो भी जो पावर पॉइंट के बारे में या जो अपनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में अच्छे से याद करके वहाँ पे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।